हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई, 5 प्रतिष्ठानों को किया सीज, पैदल चलकर किया बाजार का निरीक्षण, मास्क के उपयोग की दी हिदायत। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने मंगलवार दोपहर मुख्यालय के राजनगर फव्वारा चेक से कांकोरली के मुखर्जी चौराहा तक पैदल चलकर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया तथा मास्क का उपयोग नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सीज किया गया और कई प्रतिष्ठानों की चालान बनाकर हिदायत दी गई कि आगे से मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजसमंद सुशील कुमार, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, नगर परिषद से संबंधित निरीक्षण आदि साथ थे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने व्यापारियों तथा दुकानदारों से कहा कि आम जन द्वारा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी की पालना, नियमित रूप से हाथों की सफाई, सैनिटाइजर का उपयोग आदि के द्वारा ही कोरोना से बचा जा सकता है, इसलिए मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, अब सख्ती बरती जाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दुकानदारों को हिदायत दी कि आप स्वयं मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा जिन ग्राहकों ने मास्क का उपयोग नहीं किया हुआ हो उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं करने दें और उन्हें सामान नहीं बेचें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में और सख्ती की जाएगी तथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी सहित कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दुकान में एक ही जगह भीड़ ना होने दें तथा बारी बारी से एक एक ग्राहक को अंदर बुलाकर सामान बेचें। इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई, जिला कलेक्टर द्वारा कोविड जागरूकता गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 5 प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया गया था। 11 प्रतिष्ठानों का चालान बनाकर 7,900 रूपए की वसूली की गई। कार्यवाही में भैरूनाथ कलेक्शन राजनगर, शिवम गिफ्ट कलेक्शन राजनगर, मीनाक्षी ड्रेसेज कांगरोली, चार भोजा हार्डवेयर कांगरोली तथा जेके मोड के पास स्थित हरि ओम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने व्यापारियों व ग्राहकों से संवाद करते हुए कहा कि वे स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करें। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों व आम जन पर सख्ती बरती जाएगी व उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठान अग्रिम आदेशों तक सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। विवाह समारोह के संबंध में जिला कलेक्टर ने बताया कि पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करानी होगी तथा जिला प्रशासन को इस संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।